ओम प्रकाश राजभर। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दारा सिंह चौहान, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना NDA गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। हम सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। जिम्मेदारी मुझे पहले भी रही, मैंने ईमानदारी से पूरा किया। आज भी जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। पार्टी संगठन का, सरकार का जो भी निर्देश होगा उस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे। गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुंचाने का काम करेंगे। मंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80। जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है उसका यह दृश्य है कि आज चार हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, वो शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, उनके कार्यकाल सफल हो इसकी मंगल कामनाएं देता हूँ और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों ऐसी कामना करता हूँ। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय सुनील शर्मा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने नेतृत्व का अभिनंदन करता हूँ कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है इससे और गति मिल सकेगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मिल गए चार याद, क्या 24 में मिलेगा लाभ? योगी कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, उम्मीद जगाई जा रही, तो उम्मीद अब पूरी हो, चेहरे भी साफ हो गए और कयासों का बाजार उस पर विराम लग गया। लेकिन मसला क्या सिर्फ यही मंत्रिमंडल विस्तार तक सीमित है या फिर इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एक सियासी संदेश दिया गया 24 का? कहने वाले यह भी कहते हैं कि अगर यह लोकसभा का चुनाव सर पर ना होता तो इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार ना होता। मगर क्या गठबंधन के साथियों को एक माला में परोकर जो सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है उसमें यह क्यों कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को सियासी फायदा हुआ तो वह राष्ट्रीय लोकदल है? इसके भी एक अलग पैमाने। खैर, अब आते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार पर। ओपी राजभर
सुभाषपा के चेहरे हैं पूर्वी यूपी के जहरूबाद सीट से एमएलए हैं सुनील शर्मा, राम मंदिर आंदोलन के जुड़े नेताओं में माना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरे हैं। इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो करीब 11% ब्राह्मण आबादी है और इनके नाम एक रिकॉर्ड और 2 लाख वोटों से जीतने का रिकॉर्ड। कई चेहरे हैं और इन चेहरों में ओपी राजभर पहले से उम्मीद की जा रही थी। इसके साथ साथ दारा सिंह चौहान जिन्हें आप देख रहे हैं पूर्वांचल में ओबीसी वोटरों में प्रभाव डालने के लिए माना जा रहा है कि भले ही अपनी घोसी सीट नहीं जीत पाए मगर ओबीसी समुदाय और खासतौर से जिस समुदाय से आते हैं दारा सिंह नोनिया समुदाय, उत्तर प्रदेश में करीब 3% के आसपास वोट है। वैसे दारा सिंह चौहान जो हैं वो समाजवादी पार्टी बीएसपी यानी हर दल में और बीजेपी छोड़ के गए फिर बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन्हें एमएलसी भी बनाया है, चुनाव नहीं जीत पाए। और याद होगा आपको तब उस वक्त 2017 से 22 तक यूपी में मंत्री भी रहे और राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार को मौका मिला, 3 बार से विधायक हैं, पहले बीएसपी में भी रहे थे अब राष्ट्रीय लोकदल में, बड़े चेहरे। तो राजभर की जहां तक बात है ओपी राजभर पूर्वांचल के क्षेत्र में खासतौर पर लालगंज घोसी जौनपुर वाराणसी गाजीपुर अंबेडकर नगर आजमगढ़ इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव का हवाला देते हैं। तो क्या इसका चुनावी लाभ यूपी में, क्योंकि लक्ष्य रखा है बीजेपी ने 80 में 80, तो क्या कील काटों को दुरुस्त कर रहा जा रहा है और क्या उसी की यह वानगी है और क्या वाकई में इसका चुनावी लाभ मिलेगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, कुछ बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कई कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस सरकार से सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। जिम्मेदारी मुझे पहले भी रही, मैंने ईमानदारी से पूरा किया। आज भी जो जिम्मेदारी मिली है मैं ईमानदारी से पूरा करूंगा। पार्टी संगठन का, सरकार का जो भी निर्देश होगा उस दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे और इस क्षण के लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को, देश के सबसे गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और पूरी टीम को मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80। तो मंत्रिमंडल के चेहरे और चेहरों के इर्द गिर्द अब सियासत का ताना बाना बुना जा रहा है और जिन चेहरों को मंत्री बनाया गया है क्या उससे कोई चुनावी लाभ मिल पाएगा। ओपी राजभर ओबीसी समुदाय से आते हैं, अनिल सिंह एसटी, दारा सिंह चौहान ओबीसी और सुनील शर्मा ब्राह्मण चेहरे हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो मेहमान आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ
डॉक्टर एस के दुबे समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, हमारे साथ सुधा मिश्रा जी हैं कांग्रेस का चेहरा है, हमारे साथ दयाराम भार्गव जी हैं सुभाषपा के चेहरे हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन पहले भार्गव जी मेरी आवाज आ रही है? जी तिलक भाई आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। तो आखिरकार लॉटरी लगी गई? नहीं, लॉटरी कैसी लॉटरी दीपक तिलक भाई, कैसी लॉटरी? आज तो कॉलर ऊपर हो ही गया। कॉलर देखिए तिलक भाई, हमारे हमेशा ऊंचे रहे हैं। बता दीजिए कॉलर कब ऊंचा नहीं रहा है? वो एक मदर इंडिया में गाना था ना, दुख भरे दिन बीते रे भैया आप सुखायो रे, रंग जीवन में ले आयो रे। आज तो बिल्कुल वही हालत, बिल्कुल। अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए मंगल लेकर आया तो वो राजभर जी के लिए कि नहीं? देखिए तिलक भाई, ये आप लोगों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती थी। हाँ, लेकिन एक्चुअल में जो आया राजभवन से जब आया तो आज का दिन आया। हम आपके चैनल पर कई बार बोले हैं। अच्छा, तारीख मीडिया वाले भी कर रहे हैं जी। लेकिन मंत्रिमंडल मिलने के बाद भी इतने खुश नहीं दिख रहे थे राजभर जी, वजह जान सकता हूं मैं? आप ये बताइए, स्वयंदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खुश है। हाँ। इसलिए खुश है कि जिस समाज की आवाज शोषित वंचित, जिनकी आवाज जिन क्षेत्रों में कोई सुनता नहीं था, उस आवाज को सुनने के लिए आज आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का वंचित समाज बहुत खुश है। लेकिन भार्गव जी, अगर ये चुनाव ना होता तो ये राजरोग आता? तिलक भाई आप बड़े पत्रकार आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस, आज इनकी स्थिति कैसी है, ये वही बयान तो करते थे कि कब बनेंगे। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि चुनाव अगर ना आया होता तो ये राजयोग आता, आप कहेंगे क्यों? तारीख पर तारीख तो कई बार मिली ना भार्गव जी? मैंने आपको सुन तो लीजिए हमारी बात, सुनने भाई, मैंने आपके चैनल में कई बार बोला इस बात को कि जब भी विस्तार होगा कैबिनेट का तो उसमें हिस्सा होंगे, ये आपके चैनल में कई बार मैं बोल चुका हूँ इस बात को। नहीं, अब नाराज की तो देखिए आपके मुताबिक मुझे नहीं लगता, बाकी आप लोग कह रहे हैं तो कोई भी बात हो सकती है। जब मंच से ओपी राजभर ये कहें कि गृह मंत्री जी का फोन आया था और खट्टी मीठी बातें भी बताइए इस तरह से मंच के ऊपर वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता कुछ। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बताइए तिलक भाई। देश के गृह मंत्री का फोन आना, देश के प्रधानमंत्री का फोन आना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन आना, भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, विधायक है अपने क्षेत्र के। हाँ। और उसमें डिस्कस करना, जनता के जो हक अधिकार की बात करना, अगर फोन आ रहा सुनाया जा रहा तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, तो आप ये भी बताएंगे मन से खड़े होके कि आपका गर्मा गर्मी हुई वहां? देखिए आप कह सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, आप कह सकते हैं। नहीं, वो कह रहे थे मंच से ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना तिलक भाई, आप कह सकते हैं, आप बड़े पत्रकार आप कह सकते हैं। भार्गव जी मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, वो तो उन्हीं के शब्द हैं। खैर, अच्छा ये बताइए, आपको इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आप खुश हैं या नहीं है वो तो राजभर जी जाने, लेकिन बात खत्म हुई अब? कौन सी बात खत्म हुई बता दीजिए हमको। वो जातिगत जनगणना करवाओ। नहीं, देखिए मैंने आपको कहा ना, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को तमाम मुद्दे अपने स्टैंड पे कायम है। हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक दल है और दल की जो नीतियां वो स्वयं बरकरार है। आज उत्तर प्रदेश में 2024 की जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें इंडिया जो अपने आप को लड़ने जा रही है, जिस इंडिया की बात की जा रही है, जिस इंडिया को बनाने का काम नीतीश जी ने किया था वो एनडीए में आ गए। जिस इंडिया की बात करते थे आरएलडी भी, वही एनडीए में आ गए। तो ये कारण इसपे आज इसपे चर्चा होना चाहिए ना तिलक भाई। अच्छा, तो राजभर जी के एजेंडों पर चर्चा ना करें? बिल्कुल करें, हम जनता की बात करते हैं,
हम गांव गरीब किसान मजदूर नौजवानों की बात करते हैं। हाँ तो मैं भी तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। तो आप लोग क्या कह रहे थे इंडिया गठबंधन पर ही बात करते हैं? एनडीए पर बात ना करूं? कहा ना, मैंने कहा ना हम हक अधिकार की बात करते हैं। हाँ तो अभी एक मिनट आनंद दुबे जी भी आ गए हैं। दुबे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उस पर बात करेंगे, खुलकर करेंगे और उस पर बात करनी चाहिए। भार्गव जी, एसके दुबे जी, आप क्यों मुस्कुराए मैं जान सकता हूं। आप तो कल तक ये कह रहे थे कि देखा गाजर लटकाई हुई है बीजेपी ने लेकिन खिलाएगी नहीं गाजर, और आज देखिए कॉलर ऊपर हो गया। भार्गव जी कह रहे देखा आज कल मेरे को ये बोलना रह गया था, आज मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ। आज टाइमिंग देखिए, ये 16 तारीख तक चुनाव घोषित हो जाएंगे और 16 अप्रैल फर्स्ट फेज का चुनाव होगा। ठीक है ना, आप देखना कि टाइमिंग कितना इतना रुलाया। लेकिन पहले तो मैं शुभकामना और बधाई दे दूं कि भाई आपको आखिरकार मंत्री पद मिल गया, तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से, दोनों तरफ से। और आपको जो दायित्व दिया जाएगा उसका मैं ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम जो जिनको जरूरतमंद लोग हैं उनको आप मदद करेंगे। लेकिन इसके साथ में एक चीज और ऐड कर रहा हूं, आप ये देखना कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आएगा उसी दिन नेक्स्ट डे इनको बर्खास्त किया जाएगा। आज के आपके चैनल पर मैं लिख के दे रहा हूं, उसी दिन पता नहीं चलेगा। और फिर जिस तरीके से ये बोलते थे जब हमारे साथ थे कि चल सन्यासी मंदिर में, उसी तरीके से फिर ये योगी जी के लिए वो ही गाना रिपीट करेंगे। कल तक तो आप कह रहे थे कि मंत्री बनाएंगे नहीं, अब मंत्री बना दिए तो आप कह रहे हो कि चुनाव बाद बर्खास्त कर देंगे? नहीं, मंत्री तो बनाएंगे, मंत्री तो बनाना था। हाँ। मंत्री इसलिए बनाना था, भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति को कैसे अपनाती है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम जात पात मानते नहीं है, जात सिर्फ महिला है, बेरोजगार है, युवा है, ये जात है। लेकिन दूसरी तरफ जाति कॉम्बिनेशन के हिसाब से मंत्रिमंडल में लिया जाता है। भाई इससे बड़ा आप जातवादी कौन होगा? देखिए दुबे जी, आपको तो यहाँ पर योगी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए, आपके पीडीए को साकार कर रहे हैं वो भी लाइव देखिए। नहीं, आपका सपना साकार हो रहा है पीडीए का। नहीं नहीं, ये तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं। हाँ तो थैंक यू बोलना योगी जी को। सपा की ही देन है कि इनको हमने मजबूर किया। अच्छा, पीडीए का फॉर्मूला अपनाए, नहीं तो आपकी हालत खराब होगी। और लेकिन इन्हें अभी क्या है, ये मौका परस्ती लोग हैं। ये मौका परस्ती जो लोग होते हैं वो समय के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक, तो ये भी बदलेंगे। नहीं ठीक है, तो आज तो कम से कम आज कम से कम कटु शब्द ना इस्तेमाल करें, वो कम से कम आज तो बधाई दो भार्गव जी को। भार्गव जी एक बात तो दुबे जी सही कही, फिर मैं आनंद दुबे जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, हमने तो बधाई दी है कि मेरी हार्दिक बधाई है, लेकिन शुभकामनाएं भी है कि जरूरतमंद लोगों के लिए आप जो दायित्व मिलेगा आप देखना है। इसके साथ ही ये अभी इनको जो पद मिलने वाला है जो कैबिनेट मंत्री का, उसमें जो विभाग मिलेगा उसमें कौन सा विभाग मिलता है वहां पे ही देखना मनमुटाव हो जाएगा। अच्छा दुबे जी एक मिनट, भार्गव जी इतनी बात तो समझ में आई दुबे जी की मुझे, और मैं उससे सहमत हूँ कि भाई अब चुनावी आचार संहिता कभी भी लग सकती है, लगा लीजिए ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और है इससे कम दिन, यानी आपको 10 दिन के अंदर पोस्टर बैनर होर्डिंग वगैरह सब कुछ लगा देने मंत्री जी जिंदाबाद के नारे के साथ। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत कम वक्त मिला है आपको, 5 दिन के अंदर लगाने ओपी राजभर जी जिंदाबाद, मंत्री बनने की शुभकामना, ये सब कुछ आपको 5-6 दिन में करना है। ठीक, जितनी बात में समझ पाया दुबे जी की। आनंद दुबे जी कैसे हैं? दुबे जी आप? मैं ठीक हूँ, कृपा है प्रभु की और आप जैसे भाइयों की। नहीं नहीं, ऊपर वाले की कृपा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये मसला जितना आप समझ पाए कि ये चुनाव ना आता तो क्या ये राजयोग नसीब में आता? नहीं देखिए, निश्चित रूप से जब हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी आए थे उसी दिन से हमने ये कहा था कि उचित समय जब भी आएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हाँ। और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। हमारे साथ जय चौधरी जी आए, उनकी पार्टी का भी हमने सम्मान किया, और जब कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ उसमें उनको स्थान दिया गया। आनंद जी आपकी ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं दोबारा से प्लीज कनेक्ट करा रहा हूँ, अगर संभव हो पाए तो फोन।
फोन अपने पास रख लीजिए, आपका ऑडियो क्लियर आएगा। अब आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, लगभग कुछ साफ हुई है, प्लीज अपनी बात रखिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा जी दुबे जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, जब हमने गठबंधन किया उसी समय से हम कह रहे थे कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हो या हमारे अन्य जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका उचित सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमने उस वादे को निभाया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सर, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूँ, प्लीज पीसीआर टीम दोबारा से कनेक्ट करिएगा आनंद दुबे जी को। सुधा मिश्रा जी, जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आप देखा, आपने पूरब से पश्चिम तक का प्लान तैयार हो रहा है। यहाँ तो आप 17 सीटों में उलझे हो, यहाँ तो 80 का टारगेट सेट है। नहीं, मैं बोलूं तिलक जी? जी जी, कुछ ऐसे कहावतें और लोकोक्तियां थी तिलक जी, जिनको इन लोगों ने सदन में बैन कराया था कि ये असंसदीय हैं। ये तो आज मैं बोल देती, लेकिन चूंकि असंसदीय है इसलिए बोलूंगी नहीं। अब आप समझ गए होंगे इशारे से कि मैं किस कहावत की बात कर रही हूँ, चलिए छोड़िए। कहते हैं ना कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जिनको समझना था वो समझ गए। दूसरी चीज, आपने जो बोला कि हम कहाँ हैं और ये कहाँ है, जिसको झूठ बोलना है उसको बोलने में क्या है, वो दिन रात बोले। लेकिन हाँ, मैं अभी पहले भार्गव भाई जी को बधाई देती हूँ कि देर लग गई, बहुत देर लग गई, लेकिन चलिए कम से कम मिला आपको। भले ही आचार संहिता लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो बधाई आपको, आपकी पार्टी को, क्योंकि इसके लिए पिछले कई महीनों से मैं भी सोच रही थी कि कभी वो अनाउंसमेंट हो, हम लोग भी आपको बधाई दें भार्गव सर। और वो हमें मौका मिला, उसके लिए आपको बधाई कि हमें वो मौका, आप लोगों को, आपको ये बोलने के लिए धन्यवाद, हमें बोलने के लिए बधाई। ये योगी जी की मंत्रिमंडल ने आपको मौका दिया, इसके लिए लोकसभा चुनाव को बधाई दीजिए, आप उनको बधाई बोलिए। कम से कम चुनाव आया तो आप थैंक यू कहने वाले ऑप्शन में आ पाए। नहीं, आप ये देखिए ना, आप लोगों के साथ होते तो क्या मिलता। अरे ठीक है तिलक जी, नहीं सुधा, ये तो हकीकत है ना। अब राजभर जी के फोन पर जो है कोतवाल भी जवाब ना दे तो फिर वो समझ रहे हैं ना। अब कार्यकर्ता गया, कॉल पर जवाब नहीं। जयन चौधरी जी फोन मिला रहे हैं डीएम एसडीएम को, वहां से कोई जवाब नहीं। कम से कम आप फोन की घंटी में खनक तो होगी ना। सुनिए तिलक जी, ये कहां लिखा है कि अगर मंत्री नहीं बनेंगे तो कोई कोतवाल और फोन नहीं उठाएगा? अरे अपना भी कुछ पर्सनालिटी होना चाहिए, मतलब सब मंत्रिमंडल के ही सहारे लेंगे क्या? सुधा जी, आपको मालूम है कि सत्ता की हनक क्या होती है? नहीं, सत्ता की हनक और उसके साथ अपने आप की हनक। तिलक जी, आप खड़े होते होंगे ना तो आपकी पत्रकारिता आपकी हनक बनती होगी। जो मैं हूँ, मैं अपनी सत्यता से खड़ा हूँ और मेरी हनक, चाहे कोई कितने ही बड़े पद पे हो, वो हनक पाता नहीं होगा। ये हनक होती है। मैं सुधा मिश्रा हूँ, जो मेरा व्यक्तित्व है वो मेरी हनक है। ये हनक बनाना बड़ी बात है। और मेरे बारे में कोई कभी भी कुछ भी कह दे, अरे आज यहाँ कल वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ, वो हनक थोड़ी ना है। हनक होती है आपके व्यक्तित्व की, और उसकी बात नहीं। फिर भी बधाई, जो जहाँ पे है सकुशल रहे और सकुशल लौटे नहीं, जहाँ जो मिला है उसको मिला रहे, इसकी भी बधाई दूंगी, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगी। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। नहीं, आप कटाक्ष ज्यादा करें, बधाई कम दे रहे हैं आप। मैंने कहा कि आज थोड़ा, हाँ आज कटाक्ष नहीं है, मैं हार्दिक बधाई दे रही हूँ। नहीं, जो आप जिस तरह बधाई दे रहे, भार्गव जी कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं बधाई दे रहे हैं या राजभर जी का है। आनंद दुबे जी, अब मेरी ऑडियो आ रही है सर आपको? आनंद दुबे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? आनंद दुबे जी, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, प्लीज दोबारा से कनेक्ट कर लिए। भार्गव जी जी, वो क्योंकि मैडम टीचर हैं सुधा जी, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, एक मोरल ऑफ द स्टोरी कुछ टाइप का होता है जितना मैं समझ पाया। इसमें भी एक कहानी में एक मसला छिपा है। जैसे दुबे जी ने कहा कि अगर लोकसभा का चुनाव ना होता तो मंत्रिमंडल का विस्तार ना होता, लेकिन मुझे लगता है कि जयंत चौधरी इस पूरे गठबंधन में, जो अभी हाल फिलहाल में एनडीए में हुआ, सबसे ज्यादा फायदे में रहे जयंत चौधरी। भार्गव जी आप कहेंगे कैसे? कहते खामोशी में एक ताकत होती है। सबसे ज्यादा अगर जयंत चौधरी ने पाया इस गठबंधन में, एमएलसी किसे मिलेगा किसे नहीं, लेकिन जयंत चौधरी,
के कोटे में एमएलसी वाला मसला। सुधा जी गलत नहीं बोल रहा ना, दो लोकसभा की सीटें और अब मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी। आप तो एक ही पर अटके रह गए भार्गव जी, समझ रहे हो ना आप। और मंत्रिमंडल भी आपको मिला तो भार्गव जी। तिलक भाई मैं बोलूं जी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने सुधा मिश्रा जी की बातों को थोड़ा बताना चाहूंगा। अरे आप हंसे या ना हंसे, उत्तर प्रदेश की जनता जरूर हंसती होगी कि आपने क्या किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी पिछले 20 साल से जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, उनका हक अधिकार हम मांगते रहे, इन कांग्रेस ने दिया नहीं। समाजवादी पार्टी किस मुंह से कह सकती है, अगर आपने दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में ये क्यों होता। अब ये हम पे आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी अगर एक उंगली उठाते चार हाथ की तरफ है, उसको आप भूल जाते हो। नहीं नहीं भार्गव जी, हाँ, तो आपको जी प्लीज जल्दी से प्लीज आनंद दुबे जी को कनेक्ट करिए प्लीज। भार्गव जी आप अपने घर में अगर कोई चीज मांग करेंगे और वो चीज अगर नहीं हो पाएगी तो आप जाके पड़ोसी के यहाँ मिल जाएंगे क्या बीबीसर की तरह कि बस हमें इसको ये करना है। गलत बात करते हैं, कम से कम तार्किक बात दिया करिए। अगर कोई चीज आपके घर की चीजें नहीं हो रही है, आपको तन के खड़ा करवानी चाहिए। आप वहाँ करवा क्या रहे हैं, जाति जनगणना हो रही है क्या? आप जनता के लोगों की क्या बात कर रहे हैं? मंथन नहीं कर सकते, बताइए। नहीं नहीं आखिर मंथन कर रहे हैं, बिल्कुल मंथन कर रहे हैं। लोग क्यों विदाई ले रहे हैं? आप लोग कांग्रेस से घर से लोग क्यों विदाई ले रहे हैं? क्या कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत नहीं है? आप जैसे मैं ये नहीं कह सकता विचारधारा ही नहीं है उसकी। जब मध्य प्रदेश के 5 राज्यों को चुनाव थे, अरे मध्य प्रदेश से क्या आवाज आई थी? एक मिनट, एक मिनट लड़िए मत भार्गव भाई, भार्गव भाई मंत्री बन गए आप लड़ना क्यों? एक मिनट रुकिए ना आप, लड़िए मत प्लीज। अब मत लड़िए, मंत्री बन गए आप तो अतीत में जाएंगे। एक मिनट भार्गव जी, एक मिनट आनंद दुबे जुड़ गए अब। एक मिनट, एक मिनट आनंद दुबे जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी हाँ आ रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, 101%। बताइए बताइए। तो मसला यहाँ पर ये अटका हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव ना आता तो ये राजयोग भी ना आता। मसला तो आपने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था और अब मिले भी कितने दिन? जुम्मा जुम्मा 4 दिन, 4 दिन में क्या कर लेंगे? नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उसी हिसाब से वो दूसरों को देखती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से नफे और नुकसान को तराजू में तौल के ये रिश्ते बनाते हैं, चाहे पारिवारिक रिश्ते हों चाहे गठबंधन के साथियों के रिश्ते हों। आपको याद होगा कि जब जरूरत थी तो आदरणीय बहन मायावती जी के पास गए, माफी तक मांगी उनसे, हाथ जोड़े, मैनपुरी में उनसे समर्थन भी लिया, बाकी जगह भी समर्थन लिया, वरना इनकी एक सीट ना आती। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो फिर बहन जी से टाटा बाय बाय हो गया। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ ये गए, उनके साथ संबंध विच्छेद हो गया इनका। राहुल गांधी के साथ ये एक बार पहले भी आपको याद होगा, वो दो युवाओं की जोड़ी निकली थी, फिर एक दूसरे के साथ संबंध विच्छेद हो गया था इनका। केशव देव मौर्य जी से गाड़ी वाड़ी भी छीन ली थी जहां तक मुझे पता है। फिर मध्य प्रदेश चुनाव में किस तरह से एक दूसरे से इश्क मोहब्बत की बातें हो रही थी और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ आ गए। तो इनका कोई भी रिश्ता जो है वो यथावत नहीं है। कल जिस पे आरोप लगाते हैं फिर उसके साथ बैठ जाते हैं, आज हमसे कहते हैं। अच्छा, ओपी राजभर और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे और हमको छोड़ के चले गए थे, और पुनः हमारे साथ आए हैं। उनका उनका एजेंडा मालूम है आपको? हमने ओम प्रकाश राजभर जी पर कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं दुबे जी, उन्होंने आपने नहीं लगाया, उन्होंने क्या क्या कहा वो छोड़िए, अभी मंच से भी वो कह रहे थे कि गृह मंत्री जी का फोन आया। राजभर जी ने जो कहा वो उनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। नहीं ठीक है दुबे जी, मैं एक बात देखिए, हम तो वो लोग हैं, जब सुनिए, जब बिहार में हम
गठबंधन में जीत के आए नीतीश कुमार जी की हमसे कम सीटें थी, उसके बावजूद हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। नहीं वो सर वो एक अलग मसला है, नीतीश जी चले गए और फिर आए तो फिर भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, हमारी सीटें ज्यादा उसके बावजूद भी। नहीं वो मसला अगर उनके टैलेंट का है कि भैया नाम दिया तो दल बदल लेते हैं मुख्यमंत्री वही रहते हैं। मैं एक बात दुबे दी आपकी, आपको मालूम है ओपी राजभर जी का एजेंडा क्या है? नहीं देखिए ओपी राजभर जी की पार्टी है, वो उनकी एक स्वतंत्र पार्टी है, वो हमारे साथ गठबंधन में है। ठीक, उनका एजेंडा मालूम है सर आपको? नहीं उनकी पार्टी के अपने एजेंडे हैं, उनकी वो अपने एजेंडे को उठाते रहेंगे। जब भी कोई गठबंधन में आता है और आगे हम जब आगे बढ़ेंगे तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। नहीं एजेंडे पर कमिटमेंट नहीं किया आपने है? उनके एजेंडे पर कमिटमेंट नहीं किया आपने कोई? नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना कोई, अब हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किस आधार पर हम उनके साथ हैं, आगे हम किस आधार पर उनके साथ चलेंगे, क्या हमारी बातचीत रहेगी। नहीं तो मैं आपकी बात इतना समझना चाह रहा हूँ दुबे जी, आप एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ सर, क्यों मैं जलेबी बनाता नहीं हूँ, जलेबी मैं भी नहीं बनाता हूँ, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ सर भार्गव भाई, कोई हलवाई की दुकान थोड़े ना कि हम आप जलेबी बनाएं। नहीं जलेबी बनानी भी नहीं चाहिए। भार्गव भाई एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि वो एजेंडा आपने क्लियर कर दिया था ना अपना बीजेपी से? देखिए मैंने आपको कहा ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है, हमारे पार्टी का जो विजन है उस विजन को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता नहीं, नारे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ एजेंडा क्या था आपका? में जाते हैं एजेंडे पर आओ ना, जागरूक करने का काम करते हैं सर, एजेंडा बताओ, भारत की भाषा क्यों बदल लेते हो मंत्री बनने के बाद? मैंने आपसे पूछा आपका एजेंडा बताओ। तेरे भाई सुन लीजिए, तेरे भाई सुनिए, तो सही सुन लीजिए, मैं आपके बातों का जवाब दे रहा हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो मांग है आज भी वही है। क्या? हम एनडीए के गठबंधन में हैं, और हम आपको बताइए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और कब से मांग चली थी, और आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जब आए सदन में गए हम बीजेपी से हटे, और क्या मांगे आप? और फिर इसके बाद आए आप बताइए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और क्या मांग है? एजेंडा पूछ रहा हूँ आपका मैं तो। देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जातिवार जनगणना बस एक अनिवार्य फ्री शिक्षा, ठीक ठीक जातिगत, एक मिनट प्लीज आप भार्गव जी हो गया ना, मैं वक्त पूरा वक्त दिया, दुबे जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओ। देखिए निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने उसको अवगत कराया होगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे कुछ बात की होगी, तो होनी चाहिए जातिगत जनगणना। वही मैं बता रहा हूँ उसके आधार पे दोनों लोग, आप क्या मेरे मुंह में उंगली डाल के निकालेंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ जातिगत जनगणना पर स्टैंड पूछ रहा हूँ आपका। अरे मैं बता तो रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है जी। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? ठीक, आज उत्तर प्रदेश हो या केंद्र हो सर्वाधिक मंत्री ओबीसी मंत्रियों की संख्या किस पार्टी ने बनाई है? ठीक, राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार किस पार्टी ने दिया? ठीक, आप ये बताइए ना। तो आप जातियों की राजनीति कर रहे हैं? नहीं नहीं आप देखिए हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति कर रहे हैं सर। मैं पूछ रहा हूँ जातिगत जनगणना को लेकर स्टैंड क्या है आज? अगर हमने आपके सहयोगी कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाओ जिनको आपने मंत्री बनाया, हमारे सहयोगियों की जो डिमांड है हमारे पार्टी के आशीष नेतृत्व उससे अवगत है। आपके सामने वो जातियों की राजनीति कर रहे हैं जाएगा, आपके सामने वो जातियों की राजनीति कर रहे हैं। मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो सहयोगी और गठबंधन के दल हैं उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई है उनकी जो मांगे हैं वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक रखी गई हैं, उचित समय आने पर उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। यानी जातिगत जनगणना होगी उनकी मांग के आधार पर हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से आगे बढ़ेंगे सर। कॉमन वो उनका एजेंडा है, वो कह रहे हैं हमारे को जातिगत जनगणना करवा दीजिए। मैंने आपको क्या बताया क्या बताया? उन्होंने हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात की है, अपने सभी जो उनके विचार है उन्होंने उसके सामने रखा है, केंद्रीय नेतृत्व ने उस पर बात की है, समय आने पर उनकी जो मांगे हैं उनके आधार पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ेगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है आनंद जी, मुझे लगा कि राहुल गांधी यही बात कहते हैं तो आप कहते हो कि ये जातियों की राजनीति कर रहे हैं, वही बात आपके सामने आपके सहयोगी कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि नहीं विचार करेंगे हम, तभी मैं पूछ रहा था आपसे। नहीं मैं तो कह रहा हूँ
कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपके सामने बताया सर, उन्होंने कहा कि आपको बताया, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अगर हम साथ बैठे हैं तो हमारा ऑन टेबल कोई ना कोई टॉक हुई होगी, उन्होंने हमसे अपने विचार साझा किए होंगे, हमने उनसे अपने विचार साझा किए होंगे, ठीक है भार्गव जी, होगी तभी हम साथ चल रहे हैं। आनंद दुबे जी कह रहे हैं विचार करेंगे, वो कह रहे हैं विचार करेंगे, ठीक, ओके। तिलक भाई मैं बोलूं, अब और भी बोलना तो बता दीजिए जी। हाँ। देखिए, हमने आपको बताया क्या, रोहिणी आयोग जिस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की हम बात करते थे, जुलाई में रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। और बताइए, इसी को लेकर के जो जातिवार जनगणना की बात है, राहुल गांधी ने 2011 में लोकसभा में क्यों फाइल को फाड़ करके फेंका था, क्या बोला था, चाहते तो कर सकते थे, नहीं किया। समाजवादी पार्टी किस मुंह से बोल सकती है, चार बार सत्ता में थी जातिवाद जी, आज ये बात आप नहीं कर सकते, आप मंत्री बन गए हो। देखिए, मैं सुनिए तिलक भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ये मांग है और इसको हम तब तक कहते रहेंगे जब तक ये हो नहीं जाएगा पूरे देश में। इसलिए मैंने आपके सामने वो कह रहे विचार करेंगे हम, वो कमिटमेंट नहीं कर रहे आपके सामने। और आनंद दुबे जी बोले आपके सामने, सबका विकास सबका प्रयास के साथ में, इसको तिलक भाई देख लीजिए। या तो दयाराम भार्गव, ऐसा होता ना कि मैं मंत्री पद की शपथ तभी लूंगा जब ये जातिगत जनगणना करवाने की बात करेंगे। आप एक तरफ मंत्रिमंडल की जा भी रहे और कह रहे हो कि हाँ ठीक है बस हम आवाज उठाएंगे, अपनी बात पे तो रहते ना आप। हम, मैं सुनिए, हमारी पार्टी की ये मांग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार में हम सहयोगी है भार्गव जी, ये मांग मेरे सामने नहीं, आप आनंद दुबे जी को बोलते तो वो बात उस पे होती ना। सुन तो लीजिए, आप मेरे सामने मांग करने से क्या होगा। तिलक भाई गोल गोल क्यों घुमा रहे, सुन तो लो भाई, सुनोगे जभी तो, जनता को ये साफ होना चाहिए, अगर हम जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं उस मुद्दे से हम हटेंगे नहीं, और अगर हम एनडीए के साथ आए हैं और शीर्ष नेतृत्व में बात हुई होगी, मैं आनंद दुबे जी की बातों का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। कुछ बातें ऐसी है जो पब्लिक की बताई नहीं जाती, की जाती है। हाँ। और हमें आशा और विश्वास है, ठीक ठीक, अभी पब्लिकली आप आपसे उम्मीद नहीं, मैंने आपसे कहा आपसे पब्लिकली उम्मीद नहीं की जा सकती कि भैया कुछ बातें मंचों से नहीं की जाती हैं या मंच पे नहीं कही जाती है, सबसे ज्यादा आप ही उसका दुरुपयोग करते हैं। एक मिनट सुधा जी, क्या कहा सुधा जी, सुन तो लीजिए, मैंने सुधा जी एक मिनट मत घुमाओ भाई, भार्गव भाई सबसे ज्यादा वक्त मैंने आपको दिया, आज आपका दिन है तभी मैंने वक्त दिया, एक मिनट रुको ना, बहुत देर से वेट कर रहे हो इंडिया लाइंस वाले। सुधा जी सुना आपने, आनंद दुबे जी कह रहे कमिटमेंट करेंगे हम तभी विचार करेंगे उस पर और उसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे। जी कमिटमेंट भी किया इन्होंने, उसकी बात भी की, और ये बार बार किसने किया, ये किसने किया, बड़े लंबे चौड़े इन्होंने दिया। आप जानते हैं तिलक जी, एक नई भी चीज हुई है इस देश में और शायद आपके संज्ञान में होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि इलेक्टोरियल जो बोर्ड है वो असंवैधानिक है, और कहा था कि जो अपनी एफबीआई है वो 6 मार्च तक सारी सूचनाओं को दे देगी। और आपने सुना होगा कि कल हमारे एफबीआई जिसको ढाल बना के सरकार अपने कुकृत्यों को छुपाने का भरसक क्या कर ही चुकी है, प्रत्याशित नहीं था लेकिन इस तरह से किया जाएगा, इसकी भी हमें कहते ना कि चौंकाने वाला है कि इस देश में संविधान को खत्म करने के लिए। नहीं सुधा जी, आज ये विषय नहीं है ना, नहीं विषय नहीं है, बात ना, कर ना, रहे हैं। ना ना सुनिए सुनिए तिलक जी, विषय यही है जनता को भरवाने का, झूठ बोलने का, बेहद गलत अंदाज में झूठ बोल के लोगों को, अगर इलेक्टोरियल बोर्ड असंवैधानिक था तो उसके चंदे से चलने वाली सरकार भी असंवैधानिक है, ये जनता को बताना पड़ेगा किसने लिया, क्यों लिया, कब लिया, उसके बारे में कोर्ट में नहीं, कितना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसके बाद कौन सा कोर्ट है, आप बताइए। इस देश में एक क्लिक पे सब कुछ ऑनलाइन सब कुछ डिजिटल कहने वाली सरकार, 6 महीने चाहिए उसको, क्यों, चुनाव है, ये चुनाव के बाद मंत्री पद मिला है, मंत्रिमंडल पर आइए ना, क्या उसी मंत्रिमंडल पे, सुनिए उसी मंत्रिमंडल पे हूँ, चुनाव है तो एसबीआई के पास डेटा नहीं है, चुनाव है इसलिए मंत्री पद मिलना है, चुनाव है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे
जिसमें देश सुधा जी आपने सवाल उठाया, मैं सवाल का जवाब आनंद दुबे जी से ले लूंगा, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर आइए कि उत्तर प्रदेश में क्या ये 80 का टारगेट जो सेट करके बीजेपी चल रही है, क्या ये सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जिसका जिक्र किया जा रहा है और इस मंत्रिमंडल में वो झलक दिखाई दे रही है? आपका सवाल जाहिर है, आपने उठाया, आनंद दुबे जी से जवाब लूंगा, लेकिन अब इस पर आइए। जो ये सबका साथ सबका विकास, आप बताइए, आप, मैं, डॉक्टर एस के दुबे और जितने लोग बैठे हुए पैनल में, ये देश की तो अंग है ना। और अगर मुझे ऐतराज है, अगर इस संवैधानिक रूप से लोकतंत्र में अगर मुझे ऐतराज है, अगर आपको ऐतराज, मान लीजिए आपको नहीं है, आप पत्रकार हैं, तटस्थ हैं आप, लेकिन अगर मुझे ऐतराज है तो प्रधानमंत्री होने के नाते देश के प्रधानमंत्री को मेरी बात सुननी चाहिए, संविधान ये कहता है। और अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये देश में ये झूठ है कि वो जिस बात को फैला रहे हैं। 80 सीट पे कौन जीतेगा? या तो तानाशाही हो, या तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। किस लोकतंत्र? क्या राजीव गांधी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं किया था। फिर ऐसे किया था क्या? नहीं, तो फिर आप जीत सकते हैं तो ये नहीं जीत सकते? क्यों नहीं जीत, सुनिए, जीत नहीं सकते हैं। जिताने के लिए जिस तरह से अकल एसबीआई ने कहा कि डेटा ही नहीं है, 6 महीने चाहिए। मैडम आप फिर घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। मैं वहीं रहूंगी क्योंकि यहाँ पे इस देश के संविधान को खत्म करने का भरसक प्रयास हो रहा है। मैं और कहाँ जाऊँ, इस देश की नागरिक हूँ, आने वाले पीढ़ियों की चिंता है। अब आपने, ठीक है ठीक है, एसके दुबे जी, मैं आपके पास आऊँ, एक मिनट, भार्गव जी आपसे सवाल नहीं किया, आनंद दुबे जी से सवाल किया, आनंद दुबे जी अपनी बात को रखेंगे और डॉक्टर एसके दुबे जी आपको पूरा वक्त दूंगा। बहुत गंभीर विषय उठा लिया सुधा जी ने, इसलिए जवाब आनंद जी देना चाह रहे हैं। आनंद जी, उनका कहना यह है कि 6 मार्च को एसबीआई ने जो कहा, 6 मार्च को चुनाव आयोग को जानकारी देनी थी लेकिन नहीं देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की, यही विषय है ना सुधा जी? जी बिल्कुल। हाँ, वो कह रहे हैं आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि 4 महीने का समय चाहिए, आप लोग छुपा रहे हो देश से? नहीं देखिए, चंदे का सच क्या? चूंकि ये मामला कोर्ट में है और जो भी कोर्ट में जवाब मांगा जाएगा हम उसको देंगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से कांग्रेस ने भी लिया है। अगर ये इतने साफ सुथरे हैं तो इनकार कर देते, ये तो बड़ा असंवैधानिक है, बड़ा गलत चीज है, हम लेंगे ही नहीं। पहली चीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं सुनेंगे। और आप देखिए कौन लोग बात कर रहे हैं, सुचित्रा की कौन लोग बात कर रहे हैं? देखिए हम ही बात कर रहे हैं। सुधा जी प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। देखिए तिलक भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। सुधा जी एक मिनट, आपने सवाल उठाया, आपने सवाल उठाया, आनंद दुबे जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। आपने सवाल उठाया, वो भागे नहीं सवाल से, लेकिन उस सवाल का उत्तर देने कम से कम अब आपको सुनना पड़ेगा। अभी सुधा जी का ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। सुचिता की बात कौन कर रहा है? जिनके अपने सांसद की तिजोरी से करोड़ों करोड़ रुपए निकल रहा है और पूरे देश ने देखा है। ठीक ठीक, जिनके कार्यकाल में घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है, जल से थल से नब से कहीं कुछ बचा नहीं है। नेहरू जी के समय से जीप घोटाला से शुरू हुआ और यूपीए सरकार मनमोहन सिंह तक घोटालों के लंबे हिसाब किताब कारोबार चलते रहे। ठीक, इनकी पार्टी के जो दो प्रमुख नेता हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों बेचारे खुद जमानत पे घूम रहे हैं। किस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में हजारों करोड़ की संपत्ति एक संस्था बना के हड़प ली, उसमें अभी जमानत पे चल रहे हैं ये डॉक्टर, और ये मांग रहे हैं दूसरों से हिसाब। हाँ। अरे हमने तो कहा है कि हम जनता के अदालत में जाएंगे और जनता के सामने अपने पूरे लेखा जोखा रखेंगे। दुबे जी एक मिनट, आपने अपनी बात को रखा, दरअसल 16,000 करोड़ का चंदा किसका है ये जानने का हक देश को है कि नहीं है? मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल है, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो कि 6 मार्च तक चुनाव आयोग तक दस्तावेज सौंप देने हैं। एक एक सच्चाई जनता के सामने रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, एक एक सच्चाई। तो 6 मार्च तक चुनाव आयोग तक दस्तावेज सौंपने थे आपको? आपके सामने कह रहा हूँ। हाँ। और सुन लीजिए, जो भी कोर्ट जो भी आदेश करेगा, जो भी जानकारी मांगेगा, उसको देने का काम हम करेंगे। कोर्ट ने तो कहा है ना कि ये लीगल नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एसबीआई ने क्या कहा, एसबीआई को क्यों समय चाहिए, एसबीआई स्पष्ट कर सकता है। मैं सरकार की तरफ से इतना स्पष्ट कर सकता हूँ कि हमने स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के साथ सर, अगर सरकार चलाने का काम 30 जून तक का समय मांगा जा रहा है तो फिर सर ये तो हुआ कि चुनाव बीत जाएगा। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूँ ना। हाँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, हमने 9-10 साल सरकार चलाया, कांग्रेस पार्टी
एक भी आरोप हम पर नहीं लगा सकती है, एक आरोप और एक भी प्रमाण इनके पास नहीं है। इन्होंने राफेल का झूठा मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी, तो चौकीदार चोर है का नारा दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। मांगी या नहीं मांगी, इनसे पूछिए राहुल गांधी ने माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी। आनंद दुबे जी, जो भ्रष्टाचारी जिन पे आपने आरोप लगाए वो तो कौन कहां कैसा है, अब उस पे मैं जाऊंगा तो वो लंबा फेरिस्त हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह रहे हो कि देश में 22,217 बॉन्ड की जो बिक्री हुई, एसबीआई को 136 दिन की मोहलत चाहिए, आप ये कह रहे हो कि वो भी तब नहीं, वो मैंने भी आपसे क्या कहा, एसबीआई ने क्या बयान दिया है, एसबीआई को क्यों समय चाहिए ये एसबीआई स्पष्ट कर सकता है। मैं सरकार चुनावी चंदा यानी गुप्ती रहेगा सर, सुनिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्टता के साथ जनता के सामने सारी चीजों को रख के चुनाव लड़ती है और हम जनता के बीच एक एक चीज को स्पष्ट करके चलेंगे। मुझे 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 थोड़ा सा बिल्कुल सही कहा आनंद दुबे जी, लेकिन थोड़ी सी हैरानी इस बात के लिए होती है एसके दुबे जी, देश में अगर मैं सही हूं तो करीब 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट हैं एसबीआई के और 66,000 एटीएम है और 23,000 ब्रांच है और उस एसबीआई को 22,217 बॉन्ड का रिकॉर्ड देने के लिए 136 दिन का वक्त चाहिए। सही कह रहे सर आप, बिल्कुल सही कह रहे आनंद दुबे जी। खैर सुधा जी, आपने सवाल उठाया, आपके सवाल का जवाब आ गया, कोई आपत्ति तो नहीं आपको, क्योंकि आप विषय से हट गए। नहीं, प्लीज जल्दी से, फिर मैं एसके दुबे जी को पूरा वक्त दूंगा, प्लीज। आपने समय दिया, इन्होंने कहा कि हम जनता को साफ करके ये अपनी बेईमानी से सरकार बनाएंगे, ये दिख गया है इस चुनावी बॉन्ड में जिस तरह से सरकार ने ढाल बना के यूज किया है और जिसके एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसको 6 महीने का वक्त, ये दिख रहा है कि ये सब कुछ साफ करने वाले हैं, संविधान, संविधान के नियम, संविधान की ताकत, सुप्रीम कोर्ट को तथा बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के असंवैधानिक कहने के बाद किसने रोका, 90 बार से ज्यादा देश में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया, क्या क्या लगाया में लोकतंत्र के हत्या करके इमरजेंसी लगाई, देश में पूरे वैश्विक रूप से जिस तरह आपने देश को कर रहे हैं रखा और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते रहे, वो कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे। कितनी बार संविधान को आपने कुचला है, 91 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है आपने देश में, तिलक जी हुई सरकारों को कहां लिखा हुआ है चाहे कि झूठ बोलने के लिए तेज बोलना जरूरी है, इन लोगों को किसने पढ़ाया है बात, पेप्सू प्रांत की झूठ बोलना हो तो तेज बोलो, पढ़ लीजिए तिलक जी गप्पा की सरकार को, आप हमको न पढ़ाइए, पेप्सू प्रांत की हमेशा ये पढ़ती आई हूं कि अगर आपको किसी के बात से एतराज है तो आप उसे बिल्कुल न करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि संविधान की रक्षा तब नहीं हुई तो आप कौन सी रक्षा कर रहे हैं, आपको संविधान को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें ना बताइए तिलक जी। एक मिनट एसके दुबे जी, सुधा जी आपने सवाल उठाया, वो ये कह रहे हैं ये मसला हमारा नहीं है, एसबीआई इसका जवाब देगा, यही कह रहे हो ना आनंद दुबे जी, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं, क्या दुबे जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया क्या, आनंद दुबे जी का प्लीज फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से, फोन कट गया, हो सकता है कि गलती से कट गया, लेकिन एसके दुबे जी एक बात तो मानेंगे ना कि राजभर जी का अपना एक ऑरा, अपना एक कद है नहीं, और इसी वजह से उनको मंत्रिमंडल में, और आप भी तो बस में साथ में सीट पे बिठा के घूमते थे, बड़े बड़े नेता उस बस में नहीं चढ़ पाते थे लेकिन राजभर जी होते थे अखिलेश जी के साथ, नेताजी के साथ आपके, कि नहीं, और आज अगर मिल रहा है मंत्रिमंडल तो दिक्कत क्या है इसमें, नहीं नहीं मान सम्मान करना ये हर नागरिक का काम है कि अपने का अपने से बड़े का सम्मान करो, मेरे यहाँ जो आए उसका सम्मान करो, यही तो भारतीय परंपरा है और क्या है, लेकिन ठीक है हमने तो इसीलिए उनको बधाई दी है कि भाई आप, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, और जबकि विपक्ष होने के नाते नहीं लोग देते हैं, लेकिन हम तो इस चीज में विश्वास रखते हैं कि अपना दुश्मन भी हो तब भी उसको हम शुभकामनाएं देंगे कि तुम जीतो, लेकिन ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। और रही बात ये बधाई की, तो हमेरी तो हार्दिक बधाई है कि भाई आपको मंत्री पद इतने मिन्नतों के बाद मिला है। माफ करना, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि
घर में बच्चा ना हो तो लोग दंपति मंदिर मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि कैसे भी उनका वंश चल जाए। तो इसी तरह इनको कैसे भी मंत्री पद मिल जाए, इनने मन्नतों की इतनी मन्नतें की कि इनको फिर भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी, बोला तथास्तु जाइए आपको मिल गया तो दे दिया। लेकिन योगी जी भी कितने होशियार आदमी, उन्होंने ऐसे परफेक्ट टाइम पे सिक्सर मारा कि अगर एक बॉल में या तो आउट जाओगे या सिक्सर जाएगा, बॉल उनने फेंकी है। अब इनको देखना है एसके दुबे जी, लालगंज, घोसी, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अभी बोलिए तो एक सांस में 70 जातियों के नाम गिनवा सकते हैं आपको। भार्गव जी ये तो मास्टर माइंड, राजभर जी में ये तो क्वालिटी है। हाँ, तो फिर आप कैसे नजरअंदाज कर दोगे, आप पूर्वांचल में। आप ये चीज मानिए कि ये समाजवादी पार्टी की कृपा दृष्टि रही कि 6 विधायक आ गए, नहीं एक विधायक नहीं होता है। अच्छा। आप लीजिए इस बात को, यस दावे के डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूँ। आधार क्या है इसका? नहीं तो अभी पता चल जाएगा, नहीं तो पता चल जाएगा। आधार बताइए। नहीं तो आधार यही है ना कि हमारी वजह हमारी कृपा दृष्टि हुई है, इसके लिए 6 हो गए थे। अच्छा। और चाहे जैन चौधरी हो, जिनके पास कुछ नहीं था हमने 9 दिए, एक राष्ट्रवादी थी। क्या बात करते हैं आप तिलक जी, ये तो समाजवादी का बड़ा दिल है कि वो सबको समाहित करने की उसकी ताकत है। भार्गव जी ये कह रहे हैं तो हमारी दया है कि 6-6 जीत गए आपके। जब ये 2017 में लड़े थे तो इनसे पूछो कितनी सीट आई थी गठबंधन में कांग्रेस के साथ, दो युवाओं की जोड़ी चलाया था। 2019 में बहन कुमारी मायावती जी के साथ में गए, जिसको ये दुर्विरोधी मानते थे, उसके बाद जैसे ही सुना हुआ गठबंधन तोड़ देते हैं। 2022 में आए तो 17 से 125 पहुंचाने का काम आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने किया। वो समय दूर नहीं है, उस समय आप क्या कहते थे, जब हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए थे तो समाजवादी के लोग कसीदे करते थे, देखो वो राजभर है जो मंत्रालय छोड़ करके सत्ता छोड़ करके हमारे साथ आए हैं। आज भैया आप बताइए, जब हम आपके साथ थे तो बड़े अच्छे लगे, आज हम आपसे अलग हुए, अलग नहीं हुए, आपने हमें निकाला है, आपने तलाक दिया, हमने स्वीकार किया, लेकिन किस मुंह से समाजवादी पार्टी बोलती है? आज समाजवादी पार्टी की कथनी करने सम्मान की बात कहती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब अपने पिताजी के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, तो हमारे क्या होंगे, ये तो समाजवादी पार्टी जाने। अगर आप वाकई में परिवारवाद से नहीं निकलोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि 2024 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने जा रही है। सीट की गणना करिए, बताइए परिवारवाद आपकी मजबूत अब रह गई है। ओपी राजभर जी की पार्टी में परिवारवाद है कि नहीं, बात करते हैं जिस पीडीए की नारा देते हैं। भार्गव जी पीडीए है कहाँ? भार्गव जी राज्यसभा चुनाव में आपने पीडीए का नाम लेके पिछड़े दलित माइनॉरिटी को केवल आपने गुमराह करने का काम किया, उसमें अल्पसंख्यक कहा भैया? अच्छा एक बात, एक बात कहा भैया, एक बात लेके नाम जो पिछड़ों का और अपने जो टेबल सजाना और अपने लोगों को ला करके दंपतियों को इकट्ठा करके सामने कर देना, ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र तेरा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में कार्यकर्ता नेता जो है वो जनता के बीच में जाते हैं। अच्छा ये परिवारवाद वाली बात कर रहे हैं आप, इसी में बैठते थे चुनाव के बाद आदरणीय नेता प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसी से निकलिए। अच्छा एक बात भार्गव भाई, आप पूरा भाषण दे दिया, सवाल तो ले लो, सवाल ले लीजिए भार्गव जी, सवाल नहीं लेना, काम क्यों नहीं किया, सवाल नहीं लेना, सवाल नहीं लेना, सवाल पूछ रहा था आप ही से। आपने कहा ये परिवारवाद से बाहर निकलेंगे तभी इनका कल्याण होगा। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में अरुण राजभर जो उनके सपुत्र हैं उनके पास क्या पद है? राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता। राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता। अरविंद राजभर? राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। और राजभर जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष। विधायकी के चुनाव के लिए भी परिवार से और सांसदी के चुनाव के लिए भी परिवार से, तो ये परिवारवाद की परिभाषा है या फिर नहीं? परिवारवाद की परिभाषा उसे कहते हैं जो बगैर मेहनत के, बगैर क्षेत्र के, जहाँ पे लोगों ने तैयार किया हो जमीन, उसको जो है अपने परिवार को लड़ा देना। अच्छा तो आपका अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता? अरविंद राजभर जी, अरुण राजभर जी,
एक दिन बता दीजिए जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता, लेकिन जनता के मुद्दे उठाने का काम जल्दी से फिर फाइनल कमेंट सुधा मिश्रा दिया आपसे। नहीं, परिवार अभी देखिए, अभी चाहे ये हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सिर्फ एक आदमी सही बोला है भारतीय जनता पार्टी में, वो नितिन गडकरी जी। उनके सिवाय सारे झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी में। वो वास्तविकता में बोलते हैं कि अगर मेरे बेटे को ऑफर किया जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये है, अगर आप इस बात पे कायम रहते हो ना, तो मैं मानता हूं कि आप परिवारवाद के खिलाफ है। ये क्या है कि जब अपनी पक्षा जाए तो उन्होंने कहा गंगा जी में डुबकी लगा के पवित्र हो जाओ, और जब बाहर वाला चला जाए तो बोलो कि नहीं ये तो अपवित्र है। अरे भाई चाल और चरित्र अपना बदलिए, नहीं तो ये सड़क पे जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पब्लिक छोड़ने वाली नहीं है। और कपड़े भी उतर जाते हैं। यहाँ तो नेताजी ने मेहनत किया था, नेताजी ने मेहनत किया था। 2012 का जब चुनाव आया था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी पूरे उत्तर प्रदेश में। ठीक है दुबे जी, लेकिन ओपी राजभर की अपनी एक शैली है, उनके व्यक्तित्व को आप चैलेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा के साथ साथ इस बात को मानना पड़ेगा कि मेहनत बहुत की उन्होंने। कहां से कहां तक पहुंचे ये तो सच है। बड़बोलापन है, नहीं बड़बोलापन है वो अपना वो समझेंगे वो बड़बोलापन, लेकिन ये मत बोलिए ना मेहनत नहीं की। मेहनत की तभी तो वो वहां तक पहुंचे। लेकिन मेहनत की अगर आप गरीब आदमी की बात करते हैं, मजदूर आदमी की बात करते हैं, तो करोड़ों रुपए में टिकट नहीं बेचे होते सर। अपने बेटे बेटे की जगह किसी काम कार्यकर्ता को टिकट दिया होता दूसरे दूसरी जगह। एक मिनट, अभी परिवार बात पे मत आइए। आपने पूरे परिवार में फिर वो पूरे गिनवा देंगे, वो धर्मेंद्र यादव से लेकर अक्षय यादव, अक्षय यादव से लेकर डिम्पल यादव से लेकर, छोड़ दीजिए आप सुधा जी फाइनल कमेंट आपका। और जहां तक घोसी की बात है, घोसी से आगे बढ़िया आप लोग, है ना। बाकी आपका विवेक, घोसी ने आपको जो है बूस्टर डोज दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो निर्णायक नहीं है। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका कि अब यहां पर लड़ाई जो है एक नया रंग ले चुकी है। आपने आग के साथ खेलने की कोशिश की, आपने पहले चाय वाला मसला उठाया तब बीजेपी ने बुला लिया, फिर चौकीदार वाला मसला आया फिर बीजेपी ने बुला लिया, और अब परिवारवाद वाली बात आ गई। नहीं सुधा जी, फुल टॉस पे फुल टॉस, और फिर कह रहे हो कि मोदी जी सिक्स क्यों मार रहे हैं। नहीं देखिए तिलक जी, राजनीति में कितने दिन कौन है ये जनता तय करती है। हाँ। जिसको ये लग रहा है कि वो सिक्सर दे रहा है या फुल टॉस से क्या कर रहा है, ये उसको बस लग रहा है, क्योंकि झूठ के पाँव बहुत नहीं, अगर पाँव नहीं है, झूठ के पाँव होते नहीं है तो बहुत दिन तक चल नहीं सकता है। इस देश ने पिछले 10 सालों में जिस झूठ को देखा है, अब उसको देखना चाहती नहीं है। ये चाहे 400 कहे, चाहे 200, चाहे 80, ये जितनी भी संख्या कहे, लेकिन ये भी जानते हैं कि इनके झूठ के जो वादे थे, जो एक्चुअली विकास का नाम ही जुमला रख लिया था इन लोगों ने, और बस जुमले पे जुमले चल रहे थे। तो दिक्कत इस बात की, जनता तो इस बात को समझने लगी है ना कि जिस उम्मीद से जो ये बातें कह रहे थे, और अगर अभी हमारे दुबे भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें, आपकी बार कितने बार, नहीं नहीं ये कुछ भी कहे नहीं, आपने तो कुछ टारगेट रखा होगा ना, आपकी बार 100 पार 125 पार कितने पार। हम जनता के विश्वास को धार बना के इनको इनकी सच्चाई दिखाने वाले हैं, बस इतना कहूंगे। बाकी इनका जो पार करने का तरीका है ये बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। एसके दुबे जी आपका भी, भार्गव जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, और आनंद दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिशन तैयार है, लेकिन क्या 24 के लिए मिले ये 4 यार करेंगे कुछ कमाल, अब देखना ये बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।